लोग तभी राजनीति बदलेगी। आज के जितने नेता हम सबको देख लीजिए, किसी के अंदर कोई किताब नजर नहीं आता। और जब हम चुनाव लड़ रहे थे हमें पता था कि हम हारेंगे, हम हारने के लिए ही लड़ रहे थे। हमारा राजनीतिक दल है, हमारा राजनीतिक दल का यह उद्देश्य ही है कि वह अन्याय के विरुद्ध और विषमता के विरुद्ध अपनी लड़ाई करे, अपनी आवाज़ को बुलंद करे। हम विभिन्न मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है वो पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल बदलाव का है। आज हमारे पास शक्ति नहीं है, जब हमारे पास शक्ति होगी, हमने अपनी मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ था कि हमारे पास जब भी शक्ति होगी तो हम बिहार का व्यापक औद्योगिकीकरण करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और वो बहुत ही पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। उस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को हम लोग औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलेंगे। हर जिले में इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे बड़े बड़े, और उस इंडस्ट्रियल जोन के इर्द गिर्द ही पूरे बिहार में 8 बड़े महानगर स्थापित करने की हमारी योजना है। और इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी का अपना एक विजन है और उसी के बरक्स हम लोग हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं और अपनी सोच प्रदर्शित करते रहते हैं। चाहे हर जिले में, अभी आपने कहा ना एयरपोर्ट की बात हो रही है, तो हमने वो मुद्दा बनाया कि एयरपोर्ट होना चाहिए। तो अब हर जगह देखिए एयरपोर्ट की मांग उठ रही है, पूर्णिया वाले भी कह रहे हैं, आज चंपारण वाले भी कह रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो सिर्फ उड़ने और आने जाने का साधन नहीं है। अगर एक एयरपोर्ट बन जाता है तो उस एयरपोर्ट के इर्द गिर्द इकोनॉमिक इकोसिस्टम बन जाता है। हाँ, बॉर्डर सिर्फ आवागमन का माध्यम नहीं है। देखिए उसके इर्द गिर्द अगर आप अर्बन पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि एयरपोर्ट जो होता है वो एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम का केंद्र होता है। उसके आसपास अर्थव्यवस्था फलने फूलने लगती है और उसमें हजारों लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। आप समझिए कि चंपारण में एक एयरपोर्ट होगा और उसमें हजारों लाखों लोगों को उसके सहारे उनकी ज़िंदगी चलेगी, तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा, जो कि इनसे हो नहीं रहा है। निर्माण यात्रा का उद्देश्य बिहार में एक नई राजनीतिक पीढ़ी का निर्माण करना है, और ताकि जो कांग्रेस और बीजेपी की जो भ्रष्ट और विभाजनकारी नीतियां हैं और जो लालू जी और नीतीश जी का जो भ्रष्टाचार है, उसके विरुद्ध एक नई राजनीतिक पीढ़ी, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, समझदार लोग, जो सही में बिहार बदल सकते हैं। सिर्फ जुमले के लिए नहीं कि भाई बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट कह देने से बिहार थोड़ी बदलेगा। इन्होंने तो लगभग असंभव कर दिया है बिहार के विकास को। उस असंभव को संभव, आपके जैसे, हमारे जैसे, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ऐसे ही लोग उस बिहार को बदल सकते हैं जब वो सत्ता में आए। असली शिक्षित लोग तभी राजनीति बदलेगी। आज़ादी से पहले जितने नेता थे देश के, गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अबुल कलाम आज़ाद, सब तो ईमानदार थे, सब अनुभवी थे आपके शब्दों में। फिर उनको इतनी पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता थी? देश विदेश से इतनी मोटी मोटी डिग्री लेके क्यों आए थे? क्योंकि जब तक पढ़िएगा लिखिएगा नहीं, जब तक सोच विकसित नहीं होगी, विजन नहीं आएगा, तब तक आप देश के लिए काम नहीं कर पाएंगे। आज के जितने नेता हैं सबको देख लीजिए, किसी के अंदर कोई किताब नज़र नहीं आता। उन लोगों ने अपने जीवन काल में दर्जनों किताबें लिखी, यहाँ तो लिखना छोड़ दीजिए, किताब आपको इनके हाथ में नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इनको लगता है कि भाई पढ़ने लिखने से क्या लेना देना है, वोट लेना है और अपने स्वार्थ के लिए काम करना है। और पिछले साल जब हम लोगों ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, और जैसा कि मैंने अभी बताया है कि हम लोगों ने 200 से ज़्यादा सीटों पर नामांकन किया, और प्रशासन और राजनीति की मिलीभगत के बाद 50-60 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया था, तो हम लोग फिर भी सबसे अधिक 148 सीटों पर चुनाव लड़े। उसमें भी जब हम उम्मीदवारों का चयन कर रहे थे तो हम लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हम लोगों ने एक निराली प्रक्रिया अपनाई थी। वो प्रक्रिया ये थी कि हमने उम्मीदवारी के लिए एक फॉर्म निर्गत किया था, अपने ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी, और फिजिकल फॉर्म भी थे जहाँ तक वो पहुँच पाया। और हम लोगों ने आवेदन आमंत्रित किए जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जैसा आज़ादी के दिनों के पहले हुआ करता था कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग राजनीति में आया करते थे, तो हमने उनके लिए आवेदन जारी किया कि अगर आप प्लुरल्स की विचारधारा से सहमत हैं, प्लुरल्स के साथ हैं, तो आप चाहें तो हम आपको आपके क्षेत्र से उम्मीदवार बना सकते हैं। और उसी प्रक्रिया से हमारे साथ जितने भी अच्छे उम्मीदवार हैं, इंजीनियर हैं कुंदन श्रीवास्तव जी, मल्टीनेशनल्स में काम कर चुके हैं विदेशों में, वो उम्मीदवार बने। हमारे डॉक्टर राजन जायसवाल जी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, ढाका से हमारे उम्मीदवार बने, एम्स में पहले डॉक्टर हुआ करते थे। तो जितने भी अच्छे पढ़े लिखे लोग थे वो हमारे उम्मीदवार बने उसी प्रक्रिया के माध्यम से, बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से। और वही प्रक्रिया हम लोगों ने इस बार भी अपनाई है, चाहे वो पंचायत का मुखिया का या सरपंच का ही चुनाव क्यों न हो, हमने वही प्रक्रिया अपनाई है कि अगर आप हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप अपना बायोडाटा और अपना एक उद्देश्य वक्तव्य, जो आपका एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको बोलते हैं, वो अपना समर्पित करें कि आप क्या चाहते हैं, कैसे बदलाव चाहते हैं, आप मुखिया बनेंगे तो क्या करेंगे, तो वो हम उनसे मंगवा रहे हैं, उसके आधार पर हम तय करेंगे
कि हमें किन उम्मीदवारों को समर्थन देना है और किनको नहीं देना। सर हमने देखा कि आगामी मतलब जो बीता विधानसभा चुनाव उसमें बस आपने शिक्षित लोगों को ही अपना टिकट दिया, आपके पार्टी ने यू टिकट दिया था, तो क्या इस बार भी मतलब मुखिया उम्मीदवार भी ये मापदंड होगा? जी निश्चित रूप से होगा। अगर मैं एक वाक्य में इसका जवाब दूँ तो यही मापदंड होगा। लेकिन यहाँ पर शिक्षित की परिभाषा समझ लेने की आवश्यकता है। शिक्षित का तात्पर्य सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर या आईएएस या बड़ी बड़ी मोटी मोटी डिग्री वाले लोग ही नहीं है। उस शिक्षा का अपना एक महत्व है। उसके साथ साथ जो समाज के समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हो सकता है कि उनकी शिक्षा अधूरी रह गई हो, लेकिन अगर वो समझदार हैं, समर्पित हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो भी हमारे लिए शिक्षित के दायरे में ही आते हैं, जिनका मूल्यांकन हम कर लेंगे। भले वो हमारे लिए 1000 शब्द का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं लिख पाएँ या वो बायोडाटा अपना बना करके नहीं दे पाएँ, अगर वो एक लाइन भी लिखेंगे तो हम उनको मूल्यांकन कर लेंगे कि वो हमारे विचारधारा से सहमत व्यक्ति हैं या नहीं। देखिए सिर्फ शिक्षा ही नहीं है, शिक्षा है, चुनाव का अनुभव भी है। और हमारे साथ मुश्किलें हैं, आपने पिछले प्रश्न में भी पूछा था, हमारे पास भी यह विकल्प तो था ही ना जब हमने दल बनाया। आज भी वो विकल्प है कि दूसरे दलों के जो तथाकथित बाहुबली शक्तिशाली लोग हैं उनको अपने दल में ले आए तो शायद हम और जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वो लक्ष्य नहीं है, उससे कहाँ बिहार बदलेगा, उससे तो बिहार बदलेगा नहीं। हम एक नई राजनीतिक पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं और जो अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं को मजबूत बना करके हम उनको जिताना चाहते हैं। इसलिए रास्ता कठिन है लेकिन हम निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। अभी आगामी दो जगह उपचुनाव होने वाले हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, वो भी हम जीतने के लिए जी जान लगाएंगे और जीतेंगे। और आगामी जब भी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें भी हम अपना शानदार प्रदर्शन देंगे।